नमस्कार वर्षा मु स्वागत करुची आपन को मो चैनल रे। आज मु बनाउची रथ यात्रा स्पेशल, तो आज मु पोड़ पिठा बनाउची। तो एटा चूल्ही रे मु करूनी, एटा मु गैस रे करूची। तो माने पूरा इजी मेथड रे मु आपन को बने के देखिबे। तो मु एटा चावल बिरी को बतरी के रखि देतली 7-8 घंटा हेलाणी, एवं मैं आको ग्राइंड कर नैची। देखंतु आउ देखंतु मु एटी ग्राइंड कर नैची। आउ आपन एतिकी माने बेस पानी करबेने कि मुंडा करबेने, तो हमें सब उगड़ा को जे चावल पत्र के रखतले सेटा को एबे मु सब उगड़ा को ग्राइंड कर देबी। देखंतु मैं ग्राइंड कर नहीं ची सब उड़ा को। देखो तो मोर ये बेस पानी ना कि बेस मुंडा ना, एवं आम अल्प पा दे कि भल भाव या फेटी ना। देखो तो मुझे भल भाव फेटी नहीं मुझे अल्प लुण देवी आकु भल भाव फेटी ने। देखु आप स्वाद अनुसार लुण देवे, तो या भल भाव फेटी ने। देखु आप बार बार फेटे कारण यहाँ सांगे सांगे ग्राइंड होती। तो ये मुझे गैस अन करके कड़े के गरम करद गरम करदेवि। आउ एपटे मु चीनी नहीं, देखु मु चीनी को सेठी पकई दूची। आ पक भल भाव फेटीद जमीक से दाना गुड़ाक आल भाव फिटिज। देखु मुझे भल भाव फेटी नौ। एबे मुझे भल भाव फेटी नहीं दाना गुड़ाक फिट जाइए। एबे मुझे कड़े गरम करके रखी थी, एबे मुझे तेल पक देखी सुध गुड़ाक आम ढाल ना। देखु ये मुझे ढाई नहीं कभर देदे, या अधा घंटा भाया छाड़द या आम काढ़ भी देखानी। तो ये मुझे अधा घंटा हो जाए, तो देखु आमर तलपटू भलसे हो जाए। छुरी रू टे सैड एमती कर ना न देखु कर नहीं कि लोटे या पाँच मिनट भाई मुझे घोड़े नहीं थी। एवं आम तो प्रस्तुत हो जाए पोड़ पिठा, या थंडा करदे करदे काटि ना। देखु ये पूरा थंडा हो जाए, आटि नहीं देखु बहुत सॉफ्ट भी होती। जदि आपन को मो पोड़ पिठा रेसीपी पसंद है, तेल मत लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, आ मो वीडियो को शेयर।